रक्षाबंधन पर मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। आज बेस्ट की 3000 बसें सड़कों पर नहीं उतरेंगी। वेतन को लेकर बेस्ट बसों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश बता रहे हैं कि कैसे त्योहार के दिन ऑटो के लिए धक्के खा रहे हैं लोग। मुंबई में बस के कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से मुंबई करों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं समय अंधेरी बस डिपो पे हूँ और मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ लोग परेशान हैं, यहाँ पे खड़े हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को ऑफिस जाना है लेकिन लोगों को बस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लोग अलग अलग जगह जाना चाहते हैं लेकिन इनको बस नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। आज कहीं कहीं पुलिस का पहरा लगा दिया गया क्योंकि लोग गुस्सा ना हो, यहाँ पे कुछ हंगामा ना करे, इसको देखते हुए यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किया गया है। इसी तरह से हर बस स्टॉप पे पुलिस की तैनाती की गई है क्योंकि जो सारी बसें हैं वो बस डिपो में जाकर खड़ी हो गई है और लोग यहाँ आ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं आप कहाँ जाने वाली थी। मुझे अपना लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट जाने का था। मालूम था क्या बस स्ट्राइक का? मालूम था लेकिन इतना होगा ये पता नहीं था, क्योंकि हर बार होता है लेकिन थोड़ा तो चालू रहता है। आज इतना ही बंद है पता नहीं था, और आज शायद त्योहार है इसके लिए इन लोग ने ज्यादा ही सोचा होगा कि आज स्ट्राइक कर ले तो अच्छा है, पब्लिक को भी थोड़ा तकलीफ होने को, उन लोगों को क्या है पब्लिक का दिक्कत नहीं पता चलती है। देख सकते हैं कि लोग यहाँ खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। आप भी बस का इंतजार कर रहे थे? जी बस का इंतजार कर रहा था, बट अभी तो उम्मीद टूट चुकी है क्योंकि बस आज चलने वाली है नहीं स्ट्राइक के साथ। जी पता था कुछ? जी इसके पहले तो कुछ भी नहीं पता था, यहाँ आने के बाद ही पता चला कि बस बंद है आज। कितनी देर से खड़े आप? लगभग आधे घंटे हो गए, बारिश भी हो रही है, नहीं तो अभी तक कोई रिक्शा वगैरह मिल भी जाता था। आज मुंबई में जो बसें चलती हैं लगभग 3000 बसें मुंबई के सड़कों पर दौड़ती हैं, और मुंबई में जो मुंबई कर है लोग हैं लगभग 30 लाख लोग सफर करते हैं इस बस के द्वारा, कहेंगे मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन है, आज पूरी तरह ठप हो गई है जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा रमेश के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज मुंबई।